मैं सपना तो नहीं देख रही? नहीं मम्मी, मैं सच में वापस आ गई हूं। आनंद सुनेगा तो बहुत खुश हो जाएगा। मैं उसे फोन लगाती हूं। मम्मी, आनंद को खुद आकर देख लेने दो। तू सच में आ गई है ना? हाँ मम्मी, मैं आपसे, इस घर से और किसी से दूर नहीं रह सकी। कमाल कर दी तुमने भी, टिकट्स भी बुक करा ली, लेकिन एक बार मुझसे पूछा भी नहीं कि मैं तुम्हारे साथ मुंबई आना चाहती हूँ या नहीं। रत्ना, इतनी छोटी सी बात के लिए तुमसे पूछना पड़ेगा क्या? मैं खुद के लिए फैसला नहीं कर सकता? आनंद, तुमने जोश में आकर फैसला किया है, सोच समझ कर नहीं। इसमें सोचना क्या है? सोचना है आनंद। अगर सोचना नहीं होता तो शायद मुझे कुछ महीनों पहले सब कुछ छोड़कर यहाँ दिल्ली नहीं आना पड़ता ना। जब तुम दिल्ली आई थी तो अपने फैसले से आई थी, और मैं उस फैसले के खिलाफ नहीं गया। आज जब मैं तुम्हें हमेशा के लिए बॉम्बे ले जाना चाहता हूँ, तो क्या तुम मेरी बात नहीं मानोगी? फिर भी एक बार सोच लो आनंद। पहले ही तुम्हारी और पिया की जिंदगी में इतना सब कुछ चल रहा है, नहीं चाहती हूँ कि मेरे मुंबई आने की वजह से तुम्हारी जिंदगी में और मुसीबतें आए। इतना मत सोचो। प्लीज कम बैक विद मी। आप नहीं लेंगे? मैंने अभी थोड़ी देर पहले पी थी। सच, तूने तो खुश कर दिया मुझे। बेटा, तेरे बगैर ये घर घर नहीं लगता था, बिल्कुल। क्या कहूं, सन्नाटा छाया रहता था। तेरे पापा भी बात नहीं करते थे, वो सुनेंगे तो बहुत खुश हो जाएंगे। पिया, बेटा वहां घर पे कैसे हैं सब? ठीक है। तूने उन्हें ज्यादा कुछ तो नहीं बताया ना? किस बारे में? तेरे और आनंद के बारे में। मम्मी, वो बात ही कितनी है, अगर नजरअंदाज करो तो बस इतनी सी, और गौर से देखो तो बहुत बड़ी। अब उसमें क्या कम और ज्यादा बताना, क्या छुपाना? उन्हें दुख हुआ होगा। मम्मी, दुख आपको नहीं हुआ या पापा को नहीं हुआ? इन हालात में कौन खुश है माँ? क्या आनंद खुश है? जिसने ये सजाया है क्या वो खुश है? चल, अब तू आ गई है ना, सब ठीक हो जाएगा। वो भी आ जाएगा, मुझे लगता है उसका फोन खराब है। कोई बात नहीं मम्मी, आप टेंशन मत लो प्लीज। मम्मी, मैं जानती हूँ सब ठीक हो जाएगा। मैं कोशिश करूंगी कि सब ठीक हो जाए, मैं इसीलिए तो वापस आई हूं मां। बाकी आनंद क्या चाहता है उस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। ये पिया भी ना बचपन से बहुत जिद्दी है मोहन,
और पापा ने भी बचपन से उसकी जिद बढ़ा के रखी है। इतना सब कुछ होने के बाद उसको वापस आने की क्या जरूरत थी। और ये आनंद, ये कभी भी नहीं सुधरने वाला। अगर उसे सुधरना होता ना तो चंडीगढ़ में आके मामा को ये नहीं बोलता कि मैं रत्ना को छोड़ने वाला हूँ। मानो मेरी बात, ये रत्ना को कभी भी छोड़ नहीं पाएगा। ऐसी बात नहीं है जान, आनंद कई बार उसे छोड़ने की कोशिश कर चुका है। तुम्हें कैसे पता? आनंद ने मुझे बताया था। कब? मोहन, आनंद ने तुम्हें ये सब कुछ कब बताया? कुछ महीनों पहले। क्या, कुछ महीनों पहले? तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि आनंद और रत्ना के रिश्ते के बारे में तुम इतने दिनों से जानते हो और तुमने हम लोगों को कुछ नहीं बताया, हम लोगों से छिपा के रखा? क्यों? और मेरी छोटी बहन की जिंदगी बर्बाद हो रही है, तुम देखते रह गए? अरे तुमने क्यों कुछ नहीं कहा मोहन? आनंद ने मुझसे कहा था कि वो ये सब कुछ बंद कर देगा। अच्छा, रियली? कहीं ऐसा तो नहीं कि आनंद भी तुम्हारे बारे में कुछ जानता है? हाँ, हो सकता है तुम्हारा भी कहीं रिश्ता बन रहा होगा जो आनंद जानता होगा। कैसी बातें कर रही हो जान? जब से तुम्हें आनंद और रत्ना के रिश्ते के बारे में पता चला है, बात बात पर मुझ पर शक करती रहती हो। मैंने इसलिए नहीं बताया कि पिया को दुख होगा, और मैं जानता था, मुझे विश्वास था कि एक ना एक दिन आनंद लौट आएगा, इसलिए मैं उसे समझाने की हर बार कोशिश भी करता रहता था। और अगर मेरा कुछ कहीं चल रहा होता ना तो मैं आनंद को समझाने की कोशिश नहीं करता। और ये जो तुम्हें बात बात पर मुझ पर शक होता है ना, तो इसका आज फैसला कर देते हैं। मैं यहाँ इसी घर में इस कमरे में बैठा रहता हूँ, कहीं नहीं जाऊंगा। जानू, I'm sorry. You know I love you. And I really trust you. देखो, अगर तुम इसी तरह से यहाँ पर रोत कर बैठे तो मुझे सिजलस खाने के लिए कौन लेकर जाएगा? मैं कहीं नहीं जाऊंगा, ओके? Please, चलो ना। देखो, हम जल्दी से तैयार होते हैं और जल्दी से सिजलस खाने के लिए चले जाते हैं। और देखो, जाते समय हम पिया को भी पिकअप कर लेते। मानो ना, प्लीज जान, मानो ना। आई एम सॉरी, बोलो ना, आई एम सॉरी। ओके। ओह, फ्लाइट पे तुम्हारा खाना खाने का मूड नहीं था। चलो इसी बहाने कुछ ऑर्डर कर लेते हैं, उसके बाद ये सब बैग्स खोलेंगे। अरे इस तरह घर क्या देख रही हो, जैसे तुम सालों बाद वापस आई हो। पिछले हफ्ते ही तो आकर गई हो। हाँ आनंद, लेकिन उस आने में और इस आने में कितना फर्क है। पिछली बार मैं यहाँ सिर्फ कुछ घंटों के लिए आई थी और आज हमेशा के लिए आ गई हूँ तुम्हारे पास। एक तरफ से दिल को सुकून भी मिल रहा है कि मैं अब तुम्हारे साथ रहूंगी, दूसरी तरफ मुझे वो दिन याद आ रहा है जब मैं हमेशा के लिए यहाँ से चली गई थी तुम्हें छोड़कर, तुमसे रिश्ता तोड़कर। कितना मुश्किल था तुम्हें छोड़कर जाना आनंद, फ्रीजर रहने दो, मैं देख लेती हूँ, साहब ही होंगे। ओके मैम। हाय मैडम, इतना सरप्राइज क्यों हो? अगर हम दोनों फोन करके आते तो तुम मना कर देती। किस लिए? अरे भाई, डिनर पर चलने के लिए। हमारी जान का सिजलस खाने का दिल कर रहा था।
अब चलो पिया, जल्दी से रेडी हो जाओ एंड लेट्स गो आउट फॉर डिनर। नहीं सारा, मेरा मन, मैं जानती हूँ तुम क्या कहने वाले हो कि मेरा दिल नहीं कर रहा, बट माई डियर डार्लिंग सिस्टर, कभी कभी मेरा भी तो मन रखा करो। नाउ प्लीज गो एंड गेट रेडी फॉर। या गेट रेडी प्लीज, एक घंटे में वापस आ जाएंगे। और रही बात आनंद की, तो उसका सेल तो ऑफ है, वहां से भी ट्राई करते रहेंगे। या चलो चलो, नो एक्सक्यूजेस, कम ऑन। ट्राई करता हूँ आनंद को तब तक। चलो आज शाम बाहर डिनर करते हैं। नहीं रत्ना, मूड नहीं है। अरे भाई, मूड ही ठीक करने के लिए कह रहे हो। प्लीज लेट्स गो। प्लीज रत्ना, नॉट टुडे। बहुत दिनों से मैंने सिज़लर्स नहीं खाए। आई रियली फील लाइक इट। व्हाट डू यू से? ग्रेट, मैं तुम्हारे लिए कॉफी बनाती हूँ। हे, चंडीगढ़ में जो कुछ भी हुआ वो सोचकर अपसेट होना। पिया का तुम्हारे साथ वापस ना आना और नहीं, nothing but upset. तुम्हें मुझसे कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है आनंद। I understand very well, believe me. देखो, तुम जो भी फैसला करोगे ना, उसमें मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम पिया को वापस लाना चाहते हो, उसके साथ रहना चाहते हो, I don't mind. मेरी कोई शिकायत नहीं होगी तुमसे। Whatever you decide. रत्ना, मैं फैसला कर चुका हूँ, तुम जानती हो। No matter what, मैं तुम्हें अपनी जिंदगी से दूर जाने नहीं दूंगा। तुम क्यों बार बार मुझसे ये सवाल पूछती रहती हो? I'm sorry, बाबा। बस तुम्हें परेशान देखकर मैं थोड़ी बहुत परेशानी तो आएगी। भाई,
रिया। जान, तुम इतनी हैरान क्यों? क्या तुमने पहले कभी आनंद को इस तरह से देखा नहीं? तुम तो सोच रही होगी किसे दुम दबाकर भाग गया उसके पीछे, है ना? लेकिन होता है, ऐसा ही होता है। पति लोग अपने पत्नियों के सामने इसी तरह से पेश आते हैं। आनंद पिया का पति है और पिया आनंद की पत्नी। लेकिन ये सारी बातें मैं तुम्हें क्यों बता रही हूँ? तुम्हें तो पता है तुम हमारी बहन जो ठहरी। क्यों? एक मिनट मोहन, क्या मेरे बहन से बात करने का तुम मुझे मौका भी नहीं दोगे? अरे ये बिचारी तो डर गई है ये सब कुछ देखकर। इसे तो ये भी नहीं पता कि पत्नी क्या होती है, पति क्या होता है और वो किसे कहते हैं। दूसरी औरत को वो कहा जाता है रत्ना। Do you understand that? इनफ सारा, इनफ। चलो मेरे साथ। चाहता हूँ रत्ना जी, really, I'm really sorry. चलो, come. माफ़ी चाहता हूँ रत्ना जी, I am sorry. गलती उसकी और माफी तुम मांग रहे हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम घर पर चलो, मैं तुम्हें ठीक करती हूँ। Shut up. Shut up. ये खींच के दूंगा ना यहीं पे, ये सबको ठीक भी करना सब भूल जाओगी तुम। आनंद तुम अंदर जाओ रत्ना के पास, अकेली है वो। और वो हम पिया के पास जाते हैं, डोंट वरी, गो। हाँ हाँ जाओ जाओ, पिया की चिंता तुम क्यों करोगे? हम जो है, तुम अंदर जाओ और उसे संभालो, वो भी तो अकेली है। तुम जाओ यार, प्लीज जाओ। रत्ना, आनंद प्लीज मुझे घर तक छोड़ दो। रत्ना, I'm really very sorry. जो कुछ भी। It's okay. I've heard these stories many many times, आनंद. पर तुमने सुना मैंने क्या कहा? प्लीज मुझे घर तक छोड़ दो। रत्ना प्लीज, for God's sake, try and understand. मैं समझती हूँ आनंद, तुम जानते हो कि मुझे समझना आता है, लेकिन इतने वक्त से हमारे रिश्ते में तुम्हारे पास तो यही लव्स है ना। रत्ना प्लीज, फॉर गॉड सेक, ट्राई एंड अंडरस्टैंड। और मैं तो एक ही चीज करती आई हूं, समझती आई हूं। आई हैव ओनली बीन अंडरस्टैंडिंग यू एंड योर प्रॉब्लम्स।